योगीराज के खिलाफ ट्वीट करने वाले आईपीएस हिमांशु कुमार पर गिरेगा, सीएम ने किया सस्पेंड। लखनऊ में एसिड अटैक पीड़िता के सामने सेल्फी लेने वाली तीन महिला कांस्टेबल पर गिरेगा, तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने तीनों को किया सस्पेंड। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने की अमेरिकी अखबार ने की आलोचना, लिखा हिंदू कट्टरपंथियों ने सरकार की गलबैया में शामिल। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए केसरिया रंग में रंगा गोरखपुर, सीएम बनने के बाद योगी का पहला गोरखपुर दौरा। बिना मुलायम और शिवपाल की मौजूदगी के सपा में हार का मंथन हुआ, अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा 2022 में सत्ता में आते ही सीएम हाउस गंगाजल से धुलवाऊंगा। रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन कर बीजेपी ने फूका एमसीडी चुनाव का बिगुल, केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने हाउस टैक्स माफी और खत्म करने का खेला दाव, निगम कर्मचारियों को समय पर सैलरी का किया वादा। लालू प्रसाद यादव पटना के आईजीएमएस अस्पताल में भर्ती, शुक्रवार को मंच टूटने से हुए थे जख्मी। गिलगित और बल्तिस्तान पर पाकिस्तान को लगा बड़ा कूटनीतिक झटका, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दोनों को बताया जम्मू कश्मीर का हिस्सा। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित की हो सकती है छुट्टी, 3 साल का कार्यकाल होने वाला है खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ओबामा केयर पर उनकी ही पार्टी के सांसदों ने बड़ा झटका दिया, बहुमत न मिलने की वजह से बिल को लिया गया वापस। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में भारी इजाफा, एनडीए सरकार ने वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। शुक्रवार को दिल्ली के गांधीनगर में नाबालिग लड़की की हत्या की लाइव तस्वीर आई सामने, फुटेज में चाकू से वार करते दिख रहा है आरोपी। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में व्यापारियों ने पुलिस सिपाही की पिटाई की, एक वकील के कॉल करने पर आई थी पुलिस टीम, वकील का व्यापारियों से गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा। ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली क्षेत्र में टोल कर्मचारियों के करतूत आए सामने, टोल वसूलने को लेकर हुए झगड़े में टोल कर्मचारियों ने कार सवारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रोहिणी के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, 2 दर्जन गाड़ियों ने आग पर घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। यमुनानगर में फिर दिखा रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में गई बाप बेटी की जान, अज्ञात वाहन ने मारी थी साइकिल सवार को टक्कर। यमुनानगर में हाई प्रोफाइल योगेश हत्याकांड की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाने का दावा किया, पुलिस ने मृतक योगेश बत्रा की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके आश्रित को गिरफ्तार। सीआईए पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, लाखों रुपए की अफीम के साथ 3 गिरफ्तार। ठगी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पे दबिश दी, नकली पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन की बरामद, 2 महिलाओं समेत 1 मुखिया गिरफ्तार। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सतर्क है, सभी बैंकों और एटीएम में सीसीटीवी कैमरे का डाटा 90 दिनों तक संभाल कर रखने का निर्देश। सिरसा में युवा कांग्रेस का खट्टर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, सीएम का पुतला फूंका, नारेबाजी। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने का विरोध कर रहे हैं। टोहाना में जमालपुर शेख के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में दांव पर छात्राओं का भविष्य, अपग्रेड न होने की वजह से छात्र हो रहे हैं परेशान। धर्मशाला टेस्ट में आर अश्विन ने तोड़ा स्टेन का रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज्यादा 89 विकेट लिया, स्टेन के नाम एक सीजन में 78 विकेट लेने का रिकॉर्ड।